जी आज हम बना रहे हैं पास्ता, वेजिटेबल पास्ता। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, कैरेट, टमाटो प्यूरी और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, सफ़ेद काली मिर्च 1.5 चम्मच, और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वोस्टर सास और 2 टेबलस्पून ऑस्टर सास और 1 कप ऑयल। ठीक है, 1 कप ऑयल में सबसे पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, चूल्हा ऑन कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गई तो बिस्मिल्लाह वलो बाखे रहू अल्लाह बरकतिल्ला। इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर ये मसाले जाएंगे, टोमेटो प्यूरी जाएगी, फिर ये वेजिटेबल वन बाय वन, सबसे पहले कैरेट जाएंगी, फिर उसके बाद बंद गोभी और फिर शिमला मिर्च लास्ट में, और फिर मिक्सअप करके हम लास्ट में डालेंगे पास्ता। ये आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन सा हो गया हमारा अनियन और अदरक लहसुन, इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे, नमक, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। इसके बाद ये है हमारे पास वर्स्टर सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, सोया सॉस, बगैर चिकन के आप कभी बनाइएगा एक तो वेजिटेबल बच्चे, ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून, चिली सॉस, ये है सॉरी बूस्टर सॉस, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और ये है चिल्ली सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून। ये चलेगा, मिक्स करेंगे इसको और इसके अंदर जी टमाटो पेरी 2.5 टमाटर, इसकी पेरी निकाल ली, 2 कैरेट्स हैं ये चली गई, ये थोड़ी सी गलने में टाइम लगता है इसलिए इसको ढक दूंगी हल्की आंच पे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, तो फिर हम वो डालेंगे। देखते हैं गाजर थोड़ी बहुत गल चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं बंद गोभी जो हमारे पास कटी हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने। ये तकरीबन दोनों हाफ हाफ गल चुकी हैं, गाजर और बंद गोभी। अब हम इसमें डालें कैप्सिकम 2 अदद जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी, इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे पास्ता। जी हमने पास्ता बॉईल कर लिया है 1 पैकेट से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर, अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये जो हमारे पास मसाला बना हुआ है पास्ता, गर्म पानी में नमक डाला, ये आप देख रहे हैं पास्ता मिक्स हो गया है, और ओरिगानो लीव्स हमने ऊपर डाले हैं, लीव्स का पाउडर, और अब इसको डिश आउट कर। यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ पास्ता, वेजिटेबल पास्ता। ऊपर हमने धनिया थोड़े से गार्निशिंग और केचप, इसमें कोई चिकन नहीं डाला, बहुत ही लजीजा है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। ओके, थैंक यू।